Hello students, welcome back to MS Chauhan Video Solution Series. In today's video, we are going to discuss Level 1 Question 81 to 90. Let's start. Question 81 अपने को दिया गया है. Which one of the following compounds undergoes bromination of its aromatic ring? Electrophilic aromatic substitution at the fastest rate. सबसे fastest rate से electrophilic aromatic substitution कहाँ पर होगा? ये अपने को check करना है. तो अपने पास जब भी किसी ring पे, benzene ring पर कोई electron releasing group जुड़ा हुआ है, strong ERG ग्रुप जुड़ा हो, तो अपने पास क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रेट विल इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन की. तो अपने को यहाँ पर चेक करना है कि कौन से ग्रुप ERG और कौन से EWG. तो यहाँ पर अपने पास अल्फा एंड हाइड्रोजन है, दैट मीन्स प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई ग्रुप अटैच्ड इस बेंजीन से. यहाँ पर हमारे पास ये प्लस एम ग्रुप है जो कि डोमिनेटिंग है, देन माइनस आई. यहाँ पर NH जो ग्रुप है वो ओनली माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. यहाँ पर एमाइड जो लिंकेज है ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग में होगी वो किसमें होगी, ऑप्शन बी में होगी. इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट यहाँ पे होगी, फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी. ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर फिनोल दिया है. फिनोल के एसिटिल क्लोराइड के साथ पे रिएक्शन हो रही है, तो फिनोल यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. यहाँ पर फिनोल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड CL पे. ठीक है, यहाँ पर ये यह फिनोल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बन क्या जाएगा मॉलिक्यूल, हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा CH3 CO- Cl, यहाँ पर ऑक्सीजन जिससे H+ अटैच्ड है और यहाँ पर बेंजीन. ठीक है, इसमें अब जब ओ माइनस बैक आएगा तो सी एल माइनस लीव करेगा. सी एल माइनस के साथ साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एच प्लस भी रिमूव होगा, दैट मीन्स एच सी एल रिमूव हो जाएगा. एच सी एल रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OPH. ये अपने क्या है, ये अपना है फेनिल एस्टर की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं. तो ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर है फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि हमारे पास जो एसआईएल ग्रुप है CO CH3, ये इसके पैरा पोजिशन पर रीअरेंज हो जाता है. यहाँ पर पैरा पोजिशन पर रीअरेंज होकर फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो इस तरह से बन जाता है. इसकी जो मैकेनिज्म होगी फ्राइज रीअरेंजमेंट की वो कैसे होगी वो अपन चेक कर लेते हैं. तो अपने पास यहाँ पर देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट. ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग के साथ में यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है, AlCl3 पे अटैक करेगा, तो AlCl3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस ऑक्सीजन का लोन पेयर ये अटैक करेगा, लुईस एसिड है AlCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा AlCl3, यहाँ पर पॉजिटिव. ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3. इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को ब्रेक कर देंगे. इस बॉन्ड पेयर को ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CO फ्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए OAlCl3. ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OSIL कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है. अब ये एसाइल कार्बोकैटायन का अटैक होगा फ्रेडल का फ्रेसलेशन मैकेनिज्म फॉलो करते हुए, तो यहाँ पर पैरा अटैक फेवरेबल होगा. तो हमारे पास देखिए कैसा है मॉलिक्यूल होगा, कि यहाँ पर जो पैरा अटैक होगा वो फेवरेबल होगा, तो ये अटैक कर जाएगा इस पर और मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर OAlCl3-. ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस साइन तो हो गई, इसी के साथ ये एसआईएल ग्रुप इससे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, क्योंकि पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव जो था वो एसआईएल कार्बोकैटायन से अटैच हो जाएगा. अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो यहाँ से हीट करने पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया. अब जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ओ माइनस, इसको रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को दे के, AlCl3 रिमूव होगा तो ओ माइनस बनेगा, ओ माइनस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके OH का फॉर्मेशन कर लेगा. तो हमारे पास कैसा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर यानी एच प्लस रिमूव भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH ऐड हो गया जो यहाँ से एच प्लस रिमूव हुआ था, और ये ग्रुप कहाँ जुड़ गया, पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाएगा. ये पूरी रिएक्शन कौन सी है, यह है इंटर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट. ठीक है, इंटर रीअरेंजमेंट है ये,
इंटर रीअरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एसाइल कार्बोकोटाइन जो है वो कम्प्लीटली डिटेच हो रहा है पहले और फिर अटैक हो रहा है पैरा पोजिशन पर, ठीक है? इसलिए यहाँ पर यदि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन वाली बात होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अपन कहाँ देखते हैं? इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट पर, ये इंटर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन। 83 में हमारे पास देखिए यहाँ पर SN2 AR रिएक्शन होगी। ये अपने पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन फॉर एरिल हैलाइड। अब इस SN2 में CH3O- का अटैक किस हैलाइड पे होगा? इसका हैलाइड पे अटैक होगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे अटैक करने पे हमारे पास जो नेगेटिव आयन बनेगा वो नेगेटिव आयन ऑर्थो पैरा पोजिशन में बनेगा, और पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप इसके ही जुड़ा हुआ है जो कि माइनस एम से स्टेबलाइज करेगा। इसको आप पूरा डिटेल में देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। यदि अपन हैलोजन कौन सा लें, हेलोजन अपन ये लें जो पैरा पोजिशन पर है और यहाँ पर NO2 ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पर CH3O- ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बेडाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि कार्बेडाइन क्या है? थ्रू रेजोनेंस NO2 और Cl ग्रुप से स्टेबलाइज रहेगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आप रेजोनेंस कराएंगे तो नेगेटिव यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर NO2 क्या है? माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे होगी? Cl पे ही होगी, ठीक है? तो अपने पास ये इस तरह से प्रोडक्ट बना जिसपे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, वो CH3। अब अपन बैक जाएंगे कि हमारे पास ये जो नेगेटिव है ये वापस एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए Cl को लीव कर जाए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट अपना इस तरह से बन जाएगा, ये क्लोरीन अटैच्ड है, इससे रिप्लेस क्या हो गया? वो CH3 और यहाँ पर NO2 ग्रुप जो कि पैरा पोजिशन पे था। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? अपने पास ये ऑप्शन OCH3 के पास में क्लोरीन और फिर पैरा पोजिशन पे NO2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आंसर जो हो गया वो जाएगा ए। नेक्स्ट है 84। 84 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक टर्सरी एमाइन दिया हुआ है। टर्सरी एमाइन की रिएक्शन आप NaNO2 विद HCl के साथ में कराते हैं तो सिंपली कोई रिएक्शन होती नहीं है, बट हमारे पास जो NaNO2 विद HCl है इससे अपन क्या बनाते हैं? इससे हमारे पास बनता है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड से भी अपन एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है कि HCl से H+ लेकर ये क्या बना लेगा? इस तरह से OH2+, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाना है अपने को, तो अपने पास ये बॉन्ड पेयर आप डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा H2O+NO+। जब ये NO+ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन रहा है तो इस इलेक्ट्रोफाइल पर सिंपली इस बेस का क्या होगा? या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो सॉल्ट कैसे होगा कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन से CH2 PH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अपने पास देखें तो CH2 PH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो CH2 PH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है? और इसी के साथ नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? N डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है उसे डोनेट किया है NO+ पे। तो हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन सी में। तो आंसर जो हो गया वो जाएगा सी। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन में हमारे पास देखिए NaNO2 विद HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं एनिलीन की, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी एक जो एमीन ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम में। बेंजीन डाइएजोनियम के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? N डबल बॉन्ड N+, ठीक है? और ये NH2, इसी के आप एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो हमारे पास कैसे बन जाएगी? हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N यहाँ पर पॉजिटिव और इसी के साथ हमारे पास NH2। अब भी हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस पर और बन क्या जाएगा मॉलिक्यूल? ये अपने पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N यहाँ पर NH2+ है और ये इसे जुड़ जा रहा है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो रहा है, इसलिए हमें क्या हो रहा है? NN कपलिंग हो रही है, यहाँ पे NN बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट NN NH यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है? जो कि फाइनल प्रोडक्ट है और NN कपलिंग के फॉर्मेशन से हो रहा है, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है, बट यहाँ पर पूछा क्या गया था कि एग्जाम्पल किसका ही है? NN कपलिंग का, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें NN बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आंसर जो हो गया वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? नेक्स्ट है 86। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो ट्राई मिथाइल बेंजीन में आप देखें तो हमारे पास किस तरह के पोजीशंस हो सकती हैं?
हमारे पास आप स्ट्रक्चर देखें तो अपने पास 1 2 3 मिथाइल का ओरिएंटेशन हो सकता है 1 2 3 पे, दूसरा हो सकता है 1 2 4 पे, और इसके अलावा अपने पास एक और आइसोमर जो बन सकता है वो क्या है 1 3 5 कॉन्फिग्रेशन। इसके अलावा बाकी कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं? 3। ठीक है, इनमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि सारे के सारे ही प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 87, अपने पास यहाँ पर कैलीन C7H6 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड टू बी फेयरली पोलर एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा वो भी पोलर नेचर का, यानी प्लस माइनस वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस फॉर्म्स कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट टुवार्ड्स द रियल स्ट्रक्चर। तो अपने को यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये पोलर एरोमेटिक मॉलिक्यूल है उसके लिए मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा, वो अपने देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर अपने पास देखें यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह से कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा। ये जो डी ऑप्शन है इसको आप गौर से देखें तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा, पोलर हो जाएगा। और हमारे पास गौर से देखें तो ये बेंजीन रिंग इंडिविजुअली देखें तो ये भी एरोमेटिक है, और हमारे पास इंडिविजुअली ये रिंग देखें तो भी क्या है, एरोमेटिक है। तो दैट मीन्स ये होल कंपाउंड क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप देखेंगे तो इस तरह से अरेंजमेंट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करने पे ही बना है। जैसे ये वाला था, इसका यदि आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं पाई बॉन्ड का इस तरह से, तो बाई बॉन्ड का आप ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि प्लस हमारे पास नीचे वाली रिंग पे है, प्लस हमारे पास नीचे वाली रिंग पे और माइनस यहाँ पे आ जाए। इस तरह से हमने इस नॉन पोलर को पोलर मॉलिक्यूल बनाया, और ये पोलर मॉलिक्यूल क्या है, ये है एरोमेटिक। तो अपने पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जिसमें अपने पास में प्लस माइनस चार्ज सबसे लेस डिस्टेंस पे हो और अपने पास में दोनों के दोनों जो रिंग है वो एरोमेटिक बन रहे हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आप देखना चाहें कि हमारे पास बाकी ऑप्शन अपन क्यों सिलेक्ट नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन में आप देखें तो ये जो है ये दोनों ही रिंग क्या हो रहे हैं, एंटी एरोमेटिक हो रहे हैं, जबकि अपने को एरोमेटिक देखना है। ठीक है, इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज वैसे भी काफी डिस्टेंस पे और दोनों रिंग को स्टेबलाइज एरोमेटिक नहीं बना रहे, इसलिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा कि जिसमें दोनों रिंग्स जो है वो एरोमेटिक है, वो केवल डी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो अपने पास ये सिंपल क्वासी एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड है जिसमें अपने को पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये जो पाई बॉन्ड है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास दोनों रिंग क्या हो, एरोमेटिक हो जाए। तो अपने पास यहाँ पर आप इस तरह से ब्रेक करेंगे तो प्लस यहाँ पे बनेगा बट माइनस यहाँ पे बनेगा, तो ये रिंग क्या होगी, ये एरोमेटिक हो जाएगी बट ये वाली रिंग अपनी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कंपाउंड किस फॉर्म में रहेगा, नॉन एरोमेटिक फॉर्म में ही रहेगा, यानी ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। पाई बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो दोनों रिंग है वो एरोमेटिक हो जाए। अब अपने पास इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इसमें हमारे पास दो रिंग बनेंगी। हमारे पास यहाँ पर एक 7-membered रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और एक 5-membered रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं एक मिनट। ये पाई बॉन्ड इधर रह लीजिए, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक 5-membered रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब इस 5-membered रिंग में हमारे पास देखिए नेगेटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो इसमें आप देखें ये है ट्रोपिलियम के टाइम का स्ट्रक्चर और ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल 9 का स्ट्रक्चर, दोनों ही क्या है, एरोमेटिक है। दैट मीन्स ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस लाओगे यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक एरोमेटिक होगा दूसरा एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। तो ओवरऑल दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, यानी पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, आयोनाइज होने की टेंडेंसी यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर रेजोनेंस जो होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर किस पे हो रहा है, एरोमेटिक में क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड इन चार्ज के साथ में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है। तो ये जो होगा ऑप्शन बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी होती है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी रिलीज्ड एनर्जी, तो इसी वजह से क्या होगी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन में बोला गया, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इज। तो हमारे पास यहाँ पर Br2Fe दिया हुआ है जिससे अपने को क्या मिलता है, ब्रोमीन कैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है। तो कौन सी बेंजीन रिंग पे कराएंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो।
तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है, किस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए, और जबकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो इस बेंजीन के लिए माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास जो बी आर के टाइम का अटैक होगा वो कौन सी पोजिशन पे होगा, इसके पैरा पोजिशन पे अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस तरह से अटैच्ड है, इसके बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पर बी आर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है 90, पैरा एमिनो फिनोल रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन टू गिव मेनली। तो पैरा एमिनो फिनोल, अपने पास यहाँ पर फिनोलिक OH ग्रुप है, इसी के साथ यहाँ पर एमिनो ग्रुप भी है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OCl। इस पे अपने पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन की कम है किससे, ऑक्सीजन से, इसलिए ये NH2 इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, OH बेंजीन रिंग अपने पास NH, ठीक है, इसी के साथ CO- Cl और यहाँ पर CH3, यहाँ पर NH2+। अब ये जब O- अपने पास बैक आएगा सी डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ से Cl लीव कर जाएगा, इसी के साथ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए H+ भी लीव कर जाएगा, तो HCl का रिमूवल हो जाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर NH उससे सी डबल बॉन्ड हो CH3। तो यहाँ पर एसिटाइलेशन अपन ने एमाइन की क्यों कराया, क्योंकि एमाइन यहाँ पर बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन OH, बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो हो गया यहाँ पर वो हो जाएगा डी। अपन ने रिएक्शन यहीं पे क्यों स्टॉप कर दी, क्योंकि अपने को यहाँ पर रिएक्शन में केवल वन इक्विवेलेंट ही दिया हुआ है CH3COCl, यदि अपने पास एक्सेस में होता तो OH का भी एसिटाइलेशन यहाँ पर हो जाता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.